हाई एवरी वन वेलकम टू करई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो ये सिलेबस अनाउंसमेंट के लिए वीडियो है जैसे कि अपनी चैनल को आगे बढ़ाते हुए मैं अब क्या करूंगी इस पर आपके जेके एस एग्जाम देन आपका जो एंट्री एग्जाम है उसके वीडियोज भी लेके आऊंगी ठीक है ये एग्जाम में स्पेसिफिकली हम हमारा पैटर्न डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है आपके के ए एस एंड यूपीएससी एग्जाम का ठीक एंड सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड लास्ट में हम जो नायब एस का एग्जाम होता है वो कैसे हमें हैंडल करना है उसका भी डिस्कशन करेंगे ठीक है तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है आपके इस uh, एग्जाम की जर्नी में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एग्जाम पैटर्न से जेके एस और आपके यूपीएससी ठीक है दोनों का एग्जाम पैटर्न जो है एंड सिलेबस दोनों का सेम होता है ठीक तो होता कैसे है ये एग्जाम बेसिकली तीन स्टेजेस में होता है पहले आपका पहली स्टेज आपकी प्रिलिम्स की होती है जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं सेकेंड स्टेज होता है आपका मेन्स एंड थर्ड स्टेज में होता है इंटरव्यू ठीक है अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस लिख पाएंगे मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे लेकिन अगर आपने के दोनों एग्जाम्स हो गए एंड इंटरव्यू में आप रह गए तो नेक्स्ट चांस में नेक्स्ट साइकिल में आपको प्रीलिम्स फिर से अपेयर करना होगा ठीक है या अगर आप मेन्स में रह जाते हो तो जब अगला चांस आप दोबारा अटेम्प्ट दोगे तो आपको फिर से प्रिलिम्स से अपेयर होना होगा फाइन तो ये साइकिल uh, ऐसे ही चलता है एंड एज पर यूपीएससी एंड अब क्योंकि जेकेपीएससी ने अलाइन किए अपने रूल्स यूपीएससी के साथ तो सिक्स अटेम्प्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के या जब तक आपकी एज थर्टी टू की हो जाती है ओपन मेरिट के लिए थर्टी टू है अनल इस एज को एक्सटेंड किया जाए बाय एनी नोटिफिकेशन ठीक है तो वो जो जेके पी एस सी अगर इस एज को एक्सटेंड करता है थर्टी फाइव ईयर्स बनाता है आपको कुछ रिलैक्सेशन देता है तो वो नोटिफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स को प्रिलिम्स में हमारा सिलेबस क्या होता है वो हम देखेंगे प्रिलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड ठीक है marking, जैसे आपके जेके पी एस सी की जेके एस एस बी की तरह फिर जो मेन स्टेज है आपका इसमें चार पेपर्स होते हैं जीएस वन टू थ्री फोर प्लस आपका ऑप्शनल होता है ऑप्शनल प्रिलिम्स स्टेज में नहीं होता पहले हुआ करता था आई एस में भी एंड के एस में भी फिर वो चीज चेंज हो गई अब सिर्फ मेंस में आपका ऑप्शनल होता है जिसको आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपके पास होते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स उसमें से आपको चूज करना होता है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करने वाले हो ठीक है एंड देन इज लास्ट वन दैट इज इंटरव्यू स्टेज ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करके आप के ऑफिसर बन जाते हैं या आप आई ऑफिसर बन जाते हैं ठीक तो है तो सिलेबस काफी ज्यादा है एंड जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो दिमाग में रख के करे कि डुएबल है हो जाएगा आप मेहनत करें फिर आपका लक आपके साथ होना चाहिए ये एग्जाम थोड़ा टाइम लेगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ये बाकी जेके एस एस बी एग्जाम्स कितना नहीं है कि कम सिलेबस हो एंड आप जल्दी में कर लो तीन चार महीने का सिलेबस इस सिलेबस को कवर करने में आपको टाइम जो है वो लग जाएगा इसीलिए आपको क्या करना है क्योंकि जेके एस की पोस्ट भी आने वाली है अब न्यू रिजर्वेशन जो पॉलिसी आई है वो रूल्स अप्लाई होंगे उसके बाद आई गेस नोटिफिकेशन आ जाएगी तो अभी से क्या करना है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वेट नहीं करना है टाइम वेस्ट नहीं करना है ये एग्जाम प्रिपेयर करने का ये भी फायदा होता है कि जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स आप आ, इसके सिलेबस के हिसाब से काफी एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर पाओगे अगर आपने जेके एस की प्रिपरेशन जो है वो सही से करी है ठीक है तो पहले प्रिलिम्स देखते हैं प्रलिल्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं पहली इंपॉर्टेंट चीज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ठीक है तो जेके पी में एंड यूपीएससी में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके प्रिलिम स्टेज में भी एंड मेन स्टेज में भी तो क्या करना है करंट अफेयर्स अच्छे से करना है इसके लिए आप फोरम आयस जो है उनके मंथली फॉलो कर सकते हैं जो मंथली मैगजीन्स आती हैं या विजन आयस की मंथली मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं ठीक है वहां से आप करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ सकते हैं जैसे अभी आपका जून का मंथ चल रहा है तो अप्रैल तक की आई केस आ गई होगी तो अप्रैल का करंट अफेयर्स जो है वहां से उनका मंथली मैगजीन डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं वो आपको उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट तो इसमें आपको एंशियट हिस्ट्री पढ़ना होता है मेडिवियल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री आपके वही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है जो आप जेके एस एस बी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हो फिर आगे आपका आपको इंडियन ज्योग्राफी इसमें पढ़नी होती है एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होती है फिर आपको पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट्स एंड इश्यूज दैट मींस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों आपको कवर करने हैं फिर इकोनॉमी वाला पार्ट आ जाता है इकोनॉमी आपको पढ़नी है एंड इसमें आपको एनवायरमेंट के टॉपिक्स भी पढ़ने हैं प्लस कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं ठीक है तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है जीएस वन एंड जीएस टू जो है क्वालिफाइंग नेचर का है दैट मींस आपके मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे लेकिन आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है ठीक है ये आपका पेपर सेकंड आ जाता है सी सैट का तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि सी सैट आप कहाँ से करें या कोई वीक है सी में कोई वीक है तो एक चैनल है यूट्यूब की सिविल स्टैप करके तो मुझे वो पर्सनली काफी आ, अच्छी चैनल लगती है काफी अच्छे टीचर्स हैं वहां पे जो आपको काफी सिंपल तरीके से चीजें सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं तो सिविल स्टाफ से आप अपना सी सैट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कर सकते हैं फिर आ जाते हैं मेन्स एग्जाम सिलेबस देखो मेन्स में पहले आपको क्या करना है इंग्लिश का एग्जाम होगा इंग्लिश पेपर अगेन जैसे आपको सी सैट क्वालिफाइंग नेचर का था वैसे ही जो इंग्लिश पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका पेपर इवेलुएट नहीं होता है पर इसका जो है आपको सेवेंटी फाइव मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड और टू फिफ्टी ऐसा ही कुछ तो ईजी पेपर होता है ठीक है ये भी वो मार्क्स लाना काफी सिंपल है वो सेवेंटी फाइव मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे उसके बाद पेपर वन आपका ऐसे है टू फिफ्टी मार्क्स का टू फिफ्टी मार्क्स के सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें ठीक है टू फिफ्टी ईच तो दो एसेज आपको लिखने होते हैं टू फिफ्टी मार्क्स इनके टोटल होते हैं दो एसेज के काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे के लिए आपकी प्रिपरेशन आपकी जनरल स्टडीज से ही हो जाती है मेजरली प्लस अगर आपका ऑप्शनल जैसे सोशोलॉजी होगा तो सोशोलॉजी काफी हेल्पफुल रहता है ऐसे के लिए भी आपको क्योंकि सोशोलॉजी सोसाइटी पढ़ के काफी डायमेंशन का पता चलता है क्या क्या एंगल आपको जो है कौन कौन सा डायमेंशन जो है वो आपको टच करना है वो आपको सोशोलॉजी की स्टडी से समझ में आ जाएगा तो आपके ऑप्शनल से आपको बेनिफिट होता है ऐसे के लिए प्लस आपके जनरल स्टडीज से वहाँ से भी आप ऐसे के लिए काफी कंटेंट जो है अपना बना सकते हैं लेकिन फिर जो ऐसे राइटिंग है वो एक आर्ट है वो भी आपको विद टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं फिर आगे आपका मेन जनरल स्टडीज वन इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है ठीक तो ये आपका आ गया वही आर्ट एंड कल्चर वाला ये आर्ट एंड कल्चर प्रुलम्स में भी है ठीक है यहाँ पे आगे से आ, स्किप हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें आपका एंशंट मिडिविल मॉडर्न एंड प्लस आर्ट एंड कल्चर भी आता है ये आ गया जनरल स्टडीज तो इसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आ गया हिस्ट्री में आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है ठीक है मेंस में एंशंट एंड मिडीविल नहीं आता है प्लस ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी ठीक वर्ल्ड जोग्राफी एंड सोसाइटी सोसाइटी भी पेपर जनरल स्टडीज वन का कॉम्पोनेंट है एंड जिसका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो उस वहां से उसका ये जनरल स्टडीज का कॉम्पोनेंट कवर हो जाता है सोशोलॉजी स्टूडेंट्स मोस्टली सोसाइटी अलग से प्रिपेयर नहीं करते हैं सोसाइटी से और काफी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में तो वो उनका सोशोलॉजी ऑप्शन से ही हो जाता है ठीक है ये आर्ट एंड कल्चर का हो गया ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया एंशियट एंड मेडिवल इसमें नहीं होता है ये फ्रीडम स्ट्रगल हो गया इसमें एडिशन होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री दैट मीन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले वाला टाइम था 1947 के बाद कैसे रिकंसोलिडेशन कैसे कंसोलिडेशन हो गया और सारी स्टेट्स आपस में कैसे मिल गई थी एंड उसके बाद हमने क्या किया था तो वो ज्यादा बड़ा ये नहीं है लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है आपको इसके भी कवर करने होते हैं फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है इसमें ठीक है वर्ल्ड हिस्ट्री आपका प्रलिम्स में नहीं है ठीक वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मेंस में है ये वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया फिर इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसमें जो सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं उनको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता बाकियों को थोड़ा पढ़ना पड़ता है ठीक है तो ये आपके सोसाइटी वाले ये आ गए फिर आ गया आपका वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी तो इसमें आप क्या करते हो आप वर्ल्ड जोग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो ठीक तो ये सारे फिनॉमिना जैसे हैं अर्थ क्विक सुनामी बॉल्केनिक एक्टिविटी साइक्लोन इनसे डायरेक्टली जो जो कीवर्ड है उस कीवर्ड पे आपको कंटेंट आपके पास होना चाहिए आपको पता होना चाहिए साइक्लोन क्या है उसके कितने टाइप से बॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे क्या होती है सुनामी के क्या टाइप सुनामी कैसे आती है ठीक है एंड देन उसके कॉजेज वगैरह उसके इम्पैक्ट क्या है अर्थ क्विक का सारा टाइप्स वगैरह वो आपको पता होनी चाहिए तो जो भी कीवर्ड है उस पर आपका जो कंटेंट है वो आपके पास रेडी होना चाहिए ठीक फिर आगे जनरल स्टडीज टू इसमें मेजरली जो पॉलिटी आप फिल्म में पढ़ते हो वही पॉलिटी आपको इसमें पढ़नी है थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें और गवर्नेंस का पार्ट ऐड हो जाता है प्लस सोशल जस्टिस जस्टिस के कुछ टॉपिक्स आते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसमें वो एनजीओ सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह वो सारी चीजें जो है और कुछ बॉडीज वगैरह वो आपको देखनी होती है ठीक एंड uh, इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने होते हैं ये जैसे आ गया रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी ये भी इसका पार्ट है ये गवर्नेंस का आ गया ठीक है और यहाँ पे ये वेलफेयर स्कीम्स फॉर वालेबल सेक्शन वगैरह ये आपका सोशल जस्टिस वाला पार्ट आ गया एंड यहाँ पे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन वहां से ये यहाँ तक ये आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है तो यूजली ये जो ये वाला कंटेंट है वो हम करंट अफेयर से ही डिराइव करते हैं करंटली जो चल रही होती है इंडिया के साथ किसी कंट्री के ने अगर एमओयू साइन किया है कोई मीटिंग बायोलिट्रल मीटिंग अगर चल रही होती है या किसी कंट्री के साथ कोई आ, ऐसा कोई न्यूज में आ गया कोई कॉन्फ्लिक्ट चीज चल रहा है तो वो सारी चीजें जो न्यूज में होती है मेजरली इसमें वही सारी चीजें पढ़नी होती है ठीक एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें करंट वाला पोर्शन ज्यादा आता है इंटरनेशनल रिलेशन में फिर आगे जनरल स्टडीज थ्री इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है ठीक है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें इकोनमी के आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रिलिम्स से क्लियर हो जाएंगे फिर आगे हमें वही कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं पढ़ने हमें इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना होता है ठीक है फिर बायोडावर्सिटी एनवायरमेंट उसके बाद एनवायरमेंट के टॉपिक्स जो प्रिलिम्स में पढ़े हैं अगेन उनको थोड़ा और इंक्रीज करना होता है उसके बाद सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स आते हैं एंड इंडियन सिक्योरिटी ठीक है तो क्या रिलेशन रहते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं इंडिया चाइना का इंडिया म्यांमार तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें पड़ते हैं एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्लस हमें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एनर्जी पोर्ट्स रोड्स एयरपोर्ट रेलवे एक्सेट्रा ये चीजें भी देखनी है ठीक है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया इसके कुछ टॉपिक्स हैं एंड इसमें एग्रीकल्चर के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे क्रॉप पैटर्न वगैरह क्रॉपिंग पैटर्न ये सारी चीजें ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट बजटिंग एंड ये सारी चीजें ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है ठीक है एंड 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 ये ये आपका साइंस साइंस टेक्नोलॉजी वाला वाला आ गया पोर्शन टेक उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक है तो आई नो सिलेबस काफी ज्यादा है बट देन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए यू नो व्हाट यू गाइस आर साइनिंग अप फॉर मेहनत लगेगी मेहनत करोगे क्वालिफाई करोगे ठीक है एंड दिस इज योर जनरल स्टडीज स्कोर इसमें आपको क्या कवर करना होता uh, है एथिक्स ठीक है ये सिंपल है एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है फाइन तो ये था आपके एक सिलेबस का ओवर लुक थोड़ा सा हम क्या करेंगे हम जनरल स्टडीज से ये स्टार्ट करेंगे ठीक है जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगी एल सी की कौन सा कॉम्पोनेंट आपके लिए पहले स्टार्ट करना थोड़ा इजी रहेगा एंड प्लस अगर आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो ये चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब करनी चाहिए वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि सोशलॉजी ऑप्शन मैंने ऑलरेडी काफी हद तक कवर करवाया हुआ है उसकी एक जैसे लक्ष्मीकांत आपने नाम सुना होगा इंडियन पॉलिटी की एक बाइबल बुक हम उसको बोलते हैं वैसे ही सोशोलॉजी की काफी अच्छी बुक है नितिन सांगवान एसेंशियल सोशलॉजी वो नितिन सर ने लिखी है आई ऑफिसर है वो उनको ऑब्वियसली सोशियलॉजी ऑप्शनल था नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी उसमें पेपर ए हमारा सोशोलॉजी का कंप्लीट हो गया है यूपीएससी का सेम सिलेबस आपके के का भी है एंड पेपर बी हम करेंटली कवर कर रहे हैं जिसमें आपके लास्ट के चार चैप्टर्स रहते हैं ठीक है अभी मैं सुपरवाइजर एग्जाम के साथ बिजी थी वो एग्जाम खत्म हो गया एंड अब पेपर बी मैं कंटिन्यू करूंगी एंड सोशोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड और भी काफी चीजें आपको मिलेंगी ठीक है तो ये था आपका जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल वाला जेके एस एंड यूपीएससी का अब देखो एन टी एग्जाम जो है अभी तक ऑल दो उसका सिलेबस नहीं आया है पर ये एक्सपेक्टेड है जैसे आपका सुपरवाइजर एग्जाम था ठीक है तो उसमें आपका जो जनरल नॉलेज वाला पहला वाला यूनिट था उसमें क्या चीजें हमने देखी थी मेजरली उन्हीं के आसपास आपका जो एन टी का सिलेबस है वो भी बिल्ड होगा ठीक है तो उसमें आपका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ये होगा ही होगा डेफिनेटली होगा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ये हिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया ठीक है? तो जब हम के स्टार्ट करेंगे मैं जीएस के वही कॉम्पोनेंट स्टार्ट करूंगी जिनकी एनटी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये एनटी के एस्पिरेंट्स भी देखेंगे एंड के एस के एस्पिरेंट्स भी देखेंगे फाइन उसमें हमारा एक तो मॉडर्न हिस्ट्री एंशंट मेडिवल हम सारा कवर करेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला और हम आगे बढ़ाएंगे पॉलिटी ऑल दो हमने सुपरवाइजर एग्जाम के लिए काफी कवर किए तो आगे भी हम इसको इंक्रीज करेंगे ठीक है तो पहले मैं वही टॉपिक्स जनरल स्टडीज के स्टार्ट करूंगी जो आपके एन के एग्जाम के साथ मिलते हैं फाइन तो एंड बेसिकली वे भी यही होता है अगर जो एन के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ एन के लिए ही पढ़ा है वही पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो के काफी सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है एम फॉर द बिगर एग्जाम दिमाग में रखो के एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से आप स्टार्ट करना शुरू करो और वैसे पढ़ो कि जो एन और के के टॉपिक सेम है वो आपके स्टार्टिंग में कवर होने चाहिए ताकि आप दोनों एग्जाम्स को साथ में टैकल कर पाओ ठीक है तो यही कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा और इसी के रिगार्डिंग में वीडियोज लेके आऊंगी जिससे आपका जनरल स्टडीज के एस का भी एंड एन का भी साथ साथ प्रिपेयर होता रहे फिर जो डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे एन टी के एंड जी के अलग ठीक है वो हम अकॉर्डिंगली बाद में हैंडल कर लेंगे के एस के जो वैरी करेंगे टॉपिक्स एन से वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी ठीक है तो आपको सिर्फ क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को एंड जल्दी से टेन के जो है वो क्रॉस करवाना है एंड आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें चैनल को ठीक है तो जो टेलीग्राम की चैनल है मेरी जो सुपरवाइजर की अभी तक चल रही थी वही चैनल रहेगी एंड यूपीएससी ऑप्शनल के लिए जो चैनल मैंने बनाई है वो अलग चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जब तक मैं नया वीडियो लेके आती हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दुआ में मुझे भी याद रखें एंड साथ साथ प्रिपेयर करते रहें ठीक है बाय बाय हैव अ ग्रेट डे